सज्जन सिंह वर्मा के विवादित बयान पर घमासान जारी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी होंगे। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। सज्जन का बयान जारी है घमासान। विजयवर्गीय ने कांग्रेस को दिखाया आईना। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छरों को अकल कौन देगा? पता नहीं खटमलों मच्छरों को कब आएगी अकल। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान आपको याद होगा, अगर नहीं तो चलिए आप पहले सुन लीजिए। बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जीतते सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। सुना आपने क्या कहा था सज्जन सिंह वर्मा ने? देश में रहने वालों की सोच देखिए। सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। विजयवर्गीय ने कहा कि पता नहीं इन खटमलों और मच्छरों को कब अकल आएगी, ये शेर और शेरनियों का देश है। भारत माता की क्या बात, अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश से हालात हो जाएंगे। अरे ये शेर लोग हैं और ये शेरनियाँ बैठी हुई है, ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश, यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल अच्छरों को अकल कौन देगा? पता नहीं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। देखिए कैलाश जी के बयान को आप ध्यान से देखेंगे तो वो आधार सज्जन भैया का जरूर बना रहे हैं, लेकिन वो खटमल और मच्छर की बात कर रहे हैं तो वो ये स्पष्ट करें वो किसको खटमल और मच्छर, जो बंदूक सज्जन भैया के कंधे पर रखकर चला रहे हैं वो किसको खटमल और मच्छर बता रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। एक तो नहीं कई कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान आए हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में सियासत हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपेक्स बैंक की वेबसाइट हैक हुई है। हैकिंग में सामने आ रहा है बांग्लादेशी कनेक्शन। 15 अगस्त शाम 6 बजे ये साइट हैक हुई थी, कल शाम से ही वेबसाइट हैक है। आईटी जो टीम है, आईटी डिपार्टमेंट है, वो वेबसाइट को रिकवर करने में जुटा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपेक्स बैंक की वेबसाइट हैक हो गई है कल शाम से ही, और वेबसाइट को हैक करने के पीछे बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में संघ के लेखकों की किताबों को लेकर राजनीति हाई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। एमपी में कॉलेज की लाइब्रेरी में संघ के लेखकों की किताब रखने को लेकर सियासत आई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लाइब्रेरी में सभी लेखकों की पुस्तकें खरीदने और रखने के निर्देश दिए गए हैं, बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। ये हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी है और पुस्तकें क्रय करने के स्थान बताए गए हैं, उसका परिपत्र है, कोई उसका गलत अर्थ निकाले तो वो जाने। हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिए। दरअसल संघ के लेखकों की किताबों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार छात्रों को नफरत का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है। संघ भारतीय जनता पार्टी की नायक हो सकती है, पूरे देश की नायक नहीं है।
और मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आज यह कहा है कि वह स्वैच्छिक है, जिसे पढ़ना हो पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े। मैं फिर पूछना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा कि संघ ने इस देश के लिए कोई एक काम भी अच्छा किया हो तो वो बता दें। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुस्तकें रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन पुस्तकों को सिलेबस में शामिल नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के शासन में वामपंथियों के माध्यम से भ्रामक जानकारियां पढ़ाई गई और हम उसे ठीक करने का काम कर रहे हैं। संघ के भी कार्यकर्ता स्वयं से भी लेखक है, वो भी अच्छे वक्ता है, वो भी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने अभी तक, वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने अभी तक इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, भारत के लोग जिस पर गर्व कर सके, भारत की उपलब्धियों को का बखान नहीं करते हुए एक गुलामी के इतिहास के रूप में पूरे देश के इतिहास को लिखा गया है। फिलहाल एमपी में बुक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दिग्विजय सिंह को 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस बीजेपी नेता ने दिग्विजय सिंह को भेजा है। केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पत्र में बीजेपी नेता नासिर शाह का जिक्र था। जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था और अब मानहानि का यह नोटिस दिग्विजय सिंह को भेजा गया है। वहीं हाईकोर्ट से कांग्रेस के विधायक को लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को यह बड़ा झटका लगा है। बीजेपी उम्मीदवार की याचिका को चुनौती दी गई थी, वो रद्द कर दी गई है। मसूद पर 65 लाख से अधिक का लोन छिपाने का आरोप है। हाईकोर्ट में विचाराधीन है मसूद के खिलाफ याचिका। खबर उज्जैन से, जहां कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग घोटाले, पेपर लीक मामले और शिप्रा में प्रदूषण को लेकर रैली निकाली और कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। करीब एक घंटे तक चली इस घेराव के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रोटेस्ट को खत्म किया। गुना में पुलिस कस्टडी में देवा पारधी नाम के युवक की मौत की घटना को एक महीना हो चुका है, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मृतक के परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर भटक रहे हैं। अब पीड़ित परिवार ने भोपाल में धरना दिया है। बता दें कि 13 जुलाई को देवा पारधी की म्याना थाने में संदिग्ध मौत हो गई थी। पुलिस देवा को उसकी शादी के दिन उठाकर ले गई थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से देवा की मौत हुई। गंगू को और देवा को शादी वाले दिन हम बारात लेके जाने वाले थे, उसी टाइम पे पुलिस की गाड़ी आई हमारे घर पे। वो पुलिस थी जागर की और रुटियाई की पुलिस थी, दोनों थाने के दरोगा थे। उन्होंने देवा और गंगू को उठाने के जीप में डाल रहे थे, तो हमने कहा कि साहब क्यों ले जा रहे हो, तो उन्होंने धक्का मुक्की की और गाली देने लगे। फिर शाम को हमें पता चला कि देवा की डेथ हो गई है। मतलब शिलोज भाई अध्यक्ष है हमारी पारधी समाज की हैं, वो गुना में रहती हैं। उन्होंने उनको किसी ने खबर दी कि देवा नाम का लड़के की डेथ हो गई है। पुलिस कस्टडी में हुई, गंगू ने मेरे को बताया। हमारी यही मांग है कि देवा को इंसाफ मिले, वो पुलिस वालों पे केस बनाया जाए। वो पुलिस वाले वैसे ही घूम रहे हैं साहब। कितने पुलिस वाले थे? वो थे जागर के, जागर और उठियाई वाले थे, वो ले गए थे। कितने लोग थे? लगभग 6-7 लोग थे बस, ज्यादा नहीं थे। जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई क्योंकि कस्टडी, लेकिन इसका जुडिशियल इंक्वायरी तो यही बताएगी कि प्राकृतिक मौत थी कि अप्राकृतिक मौत थी। ये तो सीधा सीधा कानून में है कि एक आप बता रहे हो किसने मारा है, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। वही थाने में बैठे हुए, उन्हीं के पास वही रोज धमका रहे, और उल्टा जब महिलाएं अपना न्याय मांगने जा रही हैं तो उनको धक्कन धाकी दे के मारा गया। 24 महिलाओं के ऊपर एफआईआर करने में एक मिनट का देर नहीं हुआ, और पुलिस वालों के ऊपर एक महीना हो गया। 13
की 13 जुलाई को उठाया था, 13 की रात को या 14 की सुबह को मरा। आज हम लोग देखेंगे, अगर नई FIR होएगी, आज बोला है, आश्वासन दिया है कि करेंगे, नहीं होएगी तो लगातार भूख हड़ताल होएगी, हंगामा होगा, अदालत में जाएंगे। अब बात ग्वालियर की, जहां बेटी के साथ पिता की हैवानियत का मामला सामने आया। पिता ने 18 साल की बेटी को बेल्ट से जमकर पीटा, जिसकी वजह से तो अभी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4th मंजिल से गिरकर मौत हुई है जिस छात्रा की। वो चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, पिछले हफ्ते ही चीन से वापस ग्वालियर लौटी थी। महाराजपुरा थाना क्षेत्र डीडी नगर की ये घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि कहीं ये आत्महत्या तो नहीं। संदिग्ध हालातों में मेडिकल छात्रा की मौत हुई है। छात्रा 4th मंजिल से गिर गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। छात्रा चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही चीन से ग्वालियर लौटी थी। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर इलाके की यह घटना है। प्रारंभिक तौर पर जो तथ्य सामने आए उसमें परिजनों के अनुसार उसका साइकेट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा है, उससे संबंधित दस्तावेज भी पेश करें और इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, चाइना में MBBS, अब ये तो एग्जैक्ट नहीं मालूम, मगर वहाँ पढ़ाई कर रही थी, वहाँ रह रही। अगली खबर सीधी से है, जहां छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की, धारदार हथियार से खुद पर हमले किए। गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक के परेशान करने से ही छात्रा नाराज हो गई थी। CCTV में ये घटना जो है वहां रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जो लड़का इस लड़की को परेशान करता था, उस लड़के की हरकतों से इतना परेशान ही लड़की हो गई कि इसने धारदार हथियार से अपनी जान देने की कोशिश की। खंडवा के आदिवासी बच्चों का महाराष्ट्र में 25,000 रुपए में बेचने की शिकायत पर प्रशासन का बयान आया है। कलेक्टर के मुताबिक इस तरह का कोई भी मामला जांच में पुष्टि उसकी नहीं हो पाई है और मूंदी खालवा के आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में जांच और पड़ताल भी की गई है। बता दें कि PCC चीफ जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखकर महाराष्ट्र में खंडवा के आदिवासी बच्चे को 25,000 रुपए में बेचने की शिकायत की।